हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी स्पेशल झूला बनाएंगे। झूला बनाने के लिए हमने ये कार्डबोर्ड लिया है, जिसकी कटिंग करके हमने ले लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 15 इंच रखी है। अब हमें इसे कपड़े की हेल्प से कवर कर लेना है। देखिए, कवर करने के लिए हमने ये गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है। आप किसी भी कलर का फैब्रिक ले सकते हैं। इसे हमने यहाँ पे ऐसे रखना है। फैब्रिक की लंबाई हमने देखी, जो साइड से है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है और साइड से हमने 4-4 इंच एक्स्ट्रा रखी है। अब हमें ग्लूगन की हेल्प से इसे ऐसे करते हुए पूरे को कवर कर लेना है। तो चलिए कवर कर लेते हैं। हमने इसे फैब्रिक की हेल्प से कवर करके ले लिया है। अब हमें ऐसा देखिए रोल लेना है। ये कार्डबोर्ड रोल है। ये जो हम चपाती के लिए पैक करने के लिए फॉइल पेपर आता है, ये हमने उसके अंदर से लिया है। ऐसे हमें 3 पीस लेने हैं। इसे भी हमें रेड वेलवेट क्लॉथ की हेल्प से कवर कर लेना है। ये हमने फैब्रिक लिया है, देखिए इसे हमने इसके साइज का काट लिया है। तो चलिए इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसे फैब्रिक की हेल्प से कवर करके ले लिया है। अब देखिए, हमें ऐसी लेस लेनी है। ये हमने समोसा लेस ली है। इसे हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए पूरे को कवर कर लेना है, पूरे को। तो चलिए कवर कर लेते हैं। हमने देखिए तीनों पीस को रेडी करके ले लिया है। ये जो ऊपर वाला पीस है, इसे हमें यहाँ पे लैस नहीं लगानी है, सिर्फ साइड्स में लैस लगानी है। और दो पीस हमें देखिए ऐसे बिल्कुल फुल रेडी कर लेने हैं। अब हमें जो ये वाला पीस है, इसे रेडी करेंगे। देखिए, इसे रेडी करने के लिए हमने ये फ्लावर्स लिए हैं। ये हमने रेड कलर का रोज़ फ्लावर लिया है, ये हमने गोल्डन कलर का फ्लावर लिया है, कुछ ये हमने ग्रीन लीव्स ली है। देखिए, ये लीव्स हमने मार्केट से ली थी। मार्केट से हमें ऐसे मिलती है, पूरी बेल होती है, ये इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो देखिए, हमने इसमें से अलग अलग पीस करके ले लिया है। एक हमने देखिए मोर पंख लिया है। ये हमने कुछ ऐसे फ्लावर्स लिए हैं, इनकी भी हमें बेल ही मिलती है, मार्केट से इजीली मिल जाती है। अब हमें इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। हमने देखिए इसे रेडी करके ले लिया है। पीछे की साइड पे हमने एक मोर पंख लगा के दे दिया है। अब हमारे जो दो पीस और हैं, उन्हें भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसे साइड में रख देते हैं। हमने देखिए इसके दोनों पीस डेकोरेट करके ले लिए हैं। अब हम जो हमारा नीचे वाला बेस है, इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। देखिए, इसे डेकोरेट करने के लिए हमने ये पोम पोम ली है रेड कलर की। ये 1 इंच चौड़ाई और लंबाई की है। इसके ऊपर हमने देखिए हल्के हल्के से स्टोन्स को लगा के ले लिया है। तो चलिए इसे डेकोरेट कर लेते हैं। हमने इसे यहाँ पे इसे डेकोरेट करके ले लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमने इसे पीछे के साइड पे डेकोरेट नहीं किया है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अब हमें हमारे ये 2 पिलर्स लेने हैं और पिलर्स को देखिए हमें यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना है ग्लूगन की हेल्प से। तो चलिए पेस्ट कर लेते हैं। हमने दोनों पिलर को यहाँ पे पेस्ट करके ले लिया है। अब देखिए, हमने ग्रीन कलर की पोम पोम ली है और इसे हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए लगा लेना है।
हमने यहाँ पे पोम-पोम को लगा के ले लिया है। अब देखिए हमारा मेन पोर्शन आएगा, इसे हमें इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे करते हुए अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो चलिए इसे यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। हमने देखिए पूरे झूले को यहाँ पे अटैच करके ले लिया है। अब देखिए कान्हा जी को झूला झुलाने के लिए हमें ऐसा सिंहासन बनाना है, ये हमने पहले से ही रेडी करके ले लिया है। देखिए आपको एक ऐसी थर्माकोल शीट लेनी है, इसके ऊपर हमने वाटर प्रूफ फोम को अटैच करके ले लेना है। फिर हमने देखिए इसे वेलवेट के क्लोथ से कवर करके ले लिया और यहाँ पे साइड्स पे हमने इसके वही सेम वाली लैस लगा दी है। अब देखिए इसे हमें बांधने के लिए लैस लेंगे, ये लैस ली है हमने, इसे हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए पेस्ट कर लेना है। सेम इस साइड भी हमें ऐसे ही पेस्ट करना है, तो चलिए दोनों साइड पे पेस्ट कर लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पे डोरी को पेस्ट करके ले लिया है। अब हमने ये पिलो लिए हैं, ये पिलो का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, अगर आप ऐसा पिलो बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब हमें इसे भी यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेना है। हमने देखिए पिलो को भी यहाँ पे पेस्ट करके ले लिया है। अब हमें झूला लेना है, हमने देखिए झूला ले लिया है और सिंहासन को हमें यहाँ पे रखते हुए बांध लेना है। देखिए हमारा झूला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा झूला कितना प्यारा लग रहा है, ये इसका फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।